कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं की एक पवित्र तीर्थ यात्रा। कैलाश पर्वत जो मौजूद है समुद्र तल से 6714 मीटर की ऊंचाई पर। कैलाश पर्वत का आकार हीरे के जैसा है जो दिखने में शिवलिंग की भांति प्रतीत होता है। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित होने के कारण यह खिले हुए सफेद कमल की भांति प्रतीत होता है। कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल है। कैलाश पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बती पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। कैलाश पर्वत को इस धरती की नाभि माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत की एक बार परिक्रमा करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वहीं 108 बार परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्सर श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैलाश पर्वत की परिक्रमा के पश्चात पूर्ण होती है जिसमें 3 दिन का समय लगता है। कैलाश परिक्रमा प्रारंभ होती है दार्चीन में मौजूद यमद्वार से। यमद्वार की परिक्रमा की मान्यता कैलाश परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। माना जाता है यमद्वार की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति यमद्वार से होकर गुजरता है चित्रगुप्त फैसले की किताब से उसके सारे बुरे कर्मों को मिटा देता है। कैलाश परिक्रमा एक बेहद कठिन परिक्रमा है जो लगभग 52 किलोमीटर की होती है। कैलाश परिक्रमा के पहले दिन कैलाश चरण स्पर्श के पश्चात दीरापुख में विश्राम किया जाता है। कैलाश परिक्रमा के दूसरे दिन दीरापुख से जितुलपुख बाई डोलमा पास लगभग 22 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। कैलाश परिक्रमा के दूसरे दिन हमें दर्शन होते हैं गौरी कुंड के। गौरी कुंड जहां मां पार्वती नित्य स्नान किया करती हैं। कैलाश परिक्रमा का दूसरा दिन शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार श्रद्धालु ही तय कर सकते हैं जहां हमें ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी महसूस होती है। कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पर्वत है जहां अक्सर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय श्रद्धालुओं को डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। कैलाश परिक्रमा के दूसरे दिन जितुलपुख में विश्राम किया जाता है। परिक्रमा के तीसरे दिन जितुलपुख से दार्चीन जाना होता है जहां कैलाश परिक्रमा समाप्त होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 दिन की कैलाश परिक्रमा के पश्चात समाप्त होती है। तो दोस्तों यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा से रूबरू कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।